ऐसी इवेंट्स होनी नहीं चाहिए और इस इवेंट को बॉम्ब करना चाहिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा ऐसी चीजें बट ऑब्वियसली इफ समबडी इज प्लानिंग समथिंग वो एक फोरम पे उस तरीके से बात नहीं करेंगे पैसों का एक्सचेंज होता है वो क्रिप्टो में होता है डार्क वेब पे हाँ सिर्फ so, क्रिप्टो में आ, मैंने खाली क्रिप्टो देखा है पर अलग अलग टाइप के क्रिप्टो रणवीर खाली एक नहीं सो वेदर इट्स यू नो बिटकॉइन वेदर इट्स इथेरियम वेदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्रिप्टोज आर आउट देयर एंड शुरू में वो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होते थे और अब काफ़ी सारे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करते हैं यानी कि आप अपने बिटकॉइन को या इथेरियम को एक एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करते हो और सामने से अगर आप कुछ खरीद रहे हो चाहे वो कोई वीडियो हो कोई बुक हो जो भी चीज़ जब तक आपके पास बुक नहीं आती है वो पैसे ट्रांसफर नहीं होते हैं एंड पार्टी को जब आप बुक ले लो आपके पास पीडीएफ आ जाए सपोज आप कोई बुक खरीद रहे हो और

कि इंसान को बच्चा दे देते हैं और फिर सूटकेस लाते और फिर बच्चा जाता है वहाँ पे पर 2006 से क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं <laughs> क्रिप्टो करेंसी 2009 में आई 2006 में द कांसेप्ट ऑफ टॉर ब्राउजर केम इनटू एक्सिस्टेंस अह कि आप कैसे इंटरनेट ट्रूली एनोनिमस तरीके से ब्राउज कर सकते हो दैट इज वेयर इट स्टार्टेड

क्योंकि अगर आप एक सेकंड के लिए सोचो वेब 3.0 जिस तरीके की टेक्नोलॉजी पे हम जा रहे हैं वो exactly एग्जैक्टली ऐसी टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं जहां पे आपको ट्रैक नहीं किया जा सके एंड डार्क वेब और टॉर ब्राउजर एक तरीका है उसके अंदर जाने का और तरीके हैं जहां पे आप इथेरियम ब्लॉकचेन यूज करके उसके ऊपर अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हो और डेटा सब जगह स्टोर करते हो एक जगह स्टोर नहीं करते हो सो so, मेरे हिसाब से इट विल एक्चुअली बिकम मोर पॉपुलर इन द फ्यूचर एंड अगर आप एक सेकेंड के लिए मेटावर्स और डार्क वेब को साथ में कंबाइन करते हो इट एक्चुअली बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्यूचर क्योंकि जैसे फिजिकल शहर में कोई भी शहर में आप जाओ कुछ बहुत अच्छी क्लीन जगहें होंगी बट ऑन द अदर साइड कुछ ऐसी डार्क जगहें होंगी Hmm. जहां पे काफी सारी गलत चीजें होती है उसी तरीके से हमारे मेटावर्स में या वर्चुअल वर्ल्ड में आपके पास ऐसी काफी सारी जगहें होंगी जहां पे ये जो फोरम्स आज स्टैटिक होती हैं इन्हें मोर डायनेमिक बना दिया जाएगा जहां पे आप फिजिकली इन्हें फिजिकली आई से ऑब्वियसली आई एम अबाउट द मेटावर्स आप जाके उसे देख सकते हो और मेरे हिसाब से दैट विल नॉट बी अ बैड थिंग क्योंकि इट विल एक्चुअली बॉय डाउन की आपकी आइडेंटिटी कितनी अनोनमस है बिकॉज दैट्स द सेंट्रल पीस ऑफ डार्क वेब जैसे एप्पल के सीईओ कहते हैं उनके स्टैनफोर्ड के कॉन्वोकेशन स्पीच में जो उन्होंने दो साल पहले लिया था कि जब एक हैक होता है रणवीर जब आपका प्राइवेसी इन्वेड होता है खाली हैक नहीं हो रहे हो आप जो फंडामेंटल प्रिमाइस uh, है वाई वॉट मेक्स ह्यूम्स मोर स्पेशल

कि हर शब्द जो निकल रहा है आपके मुंह से हर टेक्स्ट जो आप भेज रहे हो हर ईमेल जो आप लिख रहे हो हर लेटर जो आप लिख रहे हो वो कोई पढ़ रहा है कोई देख रहा है और उसे कल बिना आपकी नॉलेज के यूज किया जा सकता है आपके अगेंस्ट या आपको आपके साथ फ्रॉड करने के लिए या आपकी क्लिक करवाने के लिए एड्स पे या आपके ऊपर अटैक लॉन्च करने के लिए जैसे ही आप वो करते हो योर एबिलिटी टू बी ह्यूमन Is taken away, and that is the reason why I would say not dark web, but the concept of dark web of remaining anonymous fundamentally will be the future mm. where the internet can survive and will thrive. That's mm. what I think about the future. that army new technologies, and बाकी की जनता डिफिकल्ट uh, हो जाता है रणवीर बिकॉज मैंने बताया वहां पे लेटेंसी बहुत ज्यादा होती है uh, okay. और आपने yeah. जो आर्मी वाली बात कही वो एकदम सही थी आज से बीस या तीस साल पहले जहाँ पे आर्मी के पास बजट बहुत सारा होता था और हम पूरे दुनिया वॉर पे था वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू और सारी चीजें उसके कारण हमारे रोड्स हमारे टैंक्स हम, ये सारी चीजें आर्मीज ने अराउंड द वर्ल्ड डेवलप की बट क्योंकि पिछले तीस सालों से चाल स्पेशली टू एक्चुअली वी नॉट हैड अ लार्ज स्केल वॉर आई एम अबाउट अ वर्ल्ड वॉर उसके कारण आप देखते हो कि ये जो आपने बताया ना इनोवेशन साइकिल हैज फ्रॉम आर्मी टू प्राइवेट कंपनीज और यूनिवर्सिटीज राइट right? wow. इसके कारण आज जैसे गूगल डॉट कॉम एक्चुअली राइट फेसबुक हमारी न्यू एज चीजें जो है वो अब स्टार्टअप से यंग कंपनी से और इस कारण मैं तो ये कहूंगा कि जो भी आज ये सुन रहा है आई थिंक दिस इज द गोल्डन पीरियड टू बी अंग पर्सन क्योंकि आज से जस्ट बीस या तीस साल पहले या तो आपके सरनेम में टाटा या बिरला होना चाहिए या आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होने चाहिए थे टू स्टार्ट अ बिजनेस hmm. पर आज आप उस पॉइंट पे हो जहाँ पे खाली दो हजार रुपए में आप एक इंटरनेट पे अपना वेबसाइट रजिस्टर करके उसे होस्ट कर सकते हो और प्ले स्टोर में अपना ऐप अप अपलोड कर सकते हो व्हाट्सएप ऑज एग्जैक्टली दैट विच गॉट सोल्ड फॉर ट्वेंटी बिलियन डॉलर यानी कि करीब करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए That was the cost of what and it was acquired. To us, uski se bhi upar hai. Mm. So that's my point that you know when you talk about innovation, especially young people, today is very exciting. And you can do that using the dark web. Mm. If you think that, you know, you don't want to be revealing your identity or whatever that is, uh, depending on the kind of work that you're doing.